अगर मैं लड़कियों को भाव ना दूं ना तो लड़कियां जल बुन जाती हैं। तो आपको इस बात का बहुत गुरूर है कि लड़कियां आपके लिए जल बुनकर राख हो जाती हैं। वाह क्या डांस किया आपने, मैं सच्ची बता रहा हूँ, फाड़ के रख दिया, आग लगा दी आपने बिल्कुल भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बकवास किए चले जा रहे हो। मैं आपकी तारीफ कर रहा था, गुस्सा क्यों हो रहा है? चुप, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, कोई दोस्त नहीं हूँ। तो चलिए मिस्टर कुंद्रा, आज थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं। ये सेंटर मार्क है, आपको इसी मार्क पर आना है। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गलती आपकी है। ये देखिए आप मार्क पे आए क्या? आप मार्क से पीछे तो फिर थप्पड़ तो लगेगा ही ना। इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे थप्पड़ तो नहीं खाना। हीरो वाला पोज, तू तो हीरो है ही, लेकिन सिद्धू मास्टर जी भी हीरोइन से कम नहीं है। भाई मैंने तो सोच लिया है, अगर तेरी फिल्म के लिए वो सारा अली खान की डेट नहीं मिली ना तो तेरी सिद्धू मास्टर जी को हीरोइन बना देंगे। और तू देखना, वरुण धवन और आलिया भट्ट से भी बेटर जोड़ी लगेगी तेरी। अरे जोड़ियों की तू छोड़, जो तेरी वाली आलिया भट्ट है ना, इस वरुण धवन की जान ले रखी है, हर बात पे बेइज्जती कर देती है, थप्पड़ मार देती है यार कभी भी। ओ तेरी, थप्पड़ से याद आया भाई, हमें घर पे चलना है, मदर इंडिया ने हवन रखवाया हुआ है, अगर हम लेट हो गए ना हमें थप्पड़ लगा देगी। अरे भाई खड़ा रहेगा या गड्डी स्टार्ट करेगा? यार जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो किस बात का हवन करवा रही है माँ घर पे? क्या बोल रहा है काके? अरे तेरे सर पे इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी को दूर करने के लिए तो ये हवन रखवाया है। तुझे एक बात बताऊं, संकट मेरे सर पे नहीं मंडरा रहा, मैं संकट बन गया हूँ अपने माँ बाप के लिए। मतलब? मतलब ये कि कल एडवोकेट आया था ना घर पे, उसके सामने माँ पापा जी की इतनी बहस हुई है मैं बता नहीं सकता। पापा जी ने माँ को कितना कुछ सुना दिया यार, तुझे पता है? आज तक मैंने माँ और पापा जी कैसे लड़ते झगड़ते नहीं देखा, हमेशा एक साथ रहे हैं वो, हम पे चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए वो कभी इतना गुस्सा नहीं करते हैं माँ को यार। काके देख, जब जब भी ना बच्चों पे कोई संकट आता है ना तो माँ बाप का परेशान होना लाजमी है। लेकिन हैरी मैंने हर मुसीबत में माँ पापा जी को एक साथ खड़े हुए देखा है, एक दूसरे का सहारा बनते हुए देखा है, लेकिन आज ना एक उत्तर है एक दक्षिण। इतनी उलझन में इतनी परेशानियों में मैंने उन्हें पुरंदरे चोल से भागने के बाद भी नहीं देखा था। इस बार तो जैसे उनके बीच के धागे जैसे उलझ से गए, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ यार। आज से ना इसे तू कभी भी अपने से अलग नहीं करेगी, ये धागा अब तेरी रक्षा करेगा। ये धागा? लेकिन ये धागा मेरी रक्षा कैसे करेगा? सिद्धि ये कोई मामूली धागा नहीं है, मौली है, सिद्धि विनायक पप्पा के चरणों का आशीर्वाद, समझी? लेकिन इन सब की क्या जरूरत है भाई? सिद्धि, एक माँ जब एक पत्नी की जिम्मेदारियों के आगे हार जाती है ना तो उसे इन सब चीजों का सहारा होता है। मतलब भाई? मतलब ये कि अब मैं तेरे बाबा को अकेले छोड़कर तो तेरे साथ नहीं आ पाऊंगी ना, इसीलिए ये मौली हमेशा तेरी रक्षा करेगा। आज तू भले ही खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है सविता, एक दिन जब तेरी यही बेटी जाई को इंसाफ दिलाएगी ना तो तुझे उस पे नाज होगा। मेरी ये बात गांठ बांध लेना सविता। बाबा आप मेरी हिम्मत हैं और आई मेरी ताकत। ए छोटिया जी,
अपने आई बाबा पे आज बहुत प्यार आ रहा है हा? और थोड़ा प्यार इस उषा जी के लिए भी बचा के रखना। अरे आपके लिए भी बहुत सारा प्यार है मेरे पास। ये ले। कि? अरे तेरे आई ने दिया है, देख तो सही। आई ने क्या है इसमें? फोन? मुझे इसकी जरूरत है। आई ये तो बहुत महंगा होगा ना। आई तूने ताई को नया फोन गिफ्ट किया है? प्राची उधारी पे लिया है, अभी तो इसके पैसे उषा मौसी ने दिए हैं। हाँ मैं कुछ भी मांगती हूँ तो आपके पास पैसे ही नहीं होते, और ताई को, ताई को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। प्राची रुक तू, ये देख ताई का फोन रबर बैंड लगाकर चला रही है, और इसकी बैटरी, उसके चर्चे तो पूरे चौल में मशहूर है। हाँ तो क्या प्राची, ताई का फोन इतना पुराना हो गया है जब देखो बार बार बंद हो जाता है, और इस वक्त मैं इससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती, समझी? प्राची तुझे ये फोन चाहिए ना तो तू रख ले। सिद्धि ये फोन तू अभी अपने पास ही रख। मेरी तो इस घर में किसी को परवाह नहीं है। प्राची सिद्धि मेरे साथ आ। इस फोन में ना वो क्या कहते हैं जल्दी से नंबर लगाने वाला स्पीड डायल। हाँ तू ना अब इसमें स्पीड डायल में मेरा नंबर, माने काका का नंबर, और वो जो दो कांस्टेबल आई थी उन सबका नंबर डाल दे अभी के अभी। और सिद्धि वो पुणे वाले वैजी है ना, उनका भी नंबर डाल देना। मौसी वो अमेरिका से वापस आ गए? हाँ हमें कल ही अनिकेत को उनके पास लेके जाना है। पापा तेरा लाख लाख शुक्र है। ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सर्व मंगल मंगले शिवे शर्वादे शादी के शरणाय तंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। संकल्प पूर्ण हो चुका, अब पूर्ण आहुति के लिए लड़के के माँ बाप यहाँ पे आए। मैं मंजरी के साथ इस पूजा में नहीं बैठूंगा। क्या बोल रहा? चाचा जी ये पूजा देवर जी के लिए रखी गई है, आप दोनों का उसमें बैठना बहुत जरूरी है। जिस माँ के मन में अपने बेटे के लिए शक आ जाए ना उसकी दुआ भी बद्दुआ बन जाती है। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं? माँ मुझे बद्दुआ क्यों देगी? तू चुप कर, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तेरी माँ के साथ इस पूजा में नहीं बैठूंगा। भाई साहब आप और भाभी इस पूजा में बैठेंगे, बिन आपके भी तो बेटे के समान है। नहीं शंकी, बिन की पूजा है उसी के मामा बैठेंगे। नहीं मंजरी इस पूजा में मेरे साथ नहीं बैठेगी। बस शंकर बहुत हो गया, ये पूजा मेरे बेटे की सलामती के लिए है और मैं इसमें ना बैठूं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बड़ी सलामती की बात कर रही है, अगर अपने बेटे की इतनी चिंता थी तो उस लड़की के हाथ में नोट क्यों छोड़ के आई थी? बस कर शंकर, मैं चुपचाप तेरे ताने सुनती जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू रुकने का नाम ही ना ले। गलती होती है, इंसान से गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाए। तुझे याद है ना शंकर, 14 साल पहले तुझसे भी एक गलती हुई थी, और जिस गलती की वजह से हमें विनायक को अपने से दूर करना पड़ा था।
के पंडाल में तू स्मगलिंग की दारू लेकर आया था। दारू के नशे में तूने अनिकेत भाव पर हाथ उठाया और जिसकी वजह से मेरे विनायक ने हाँ माना कि मैंने वो गलती की थी, लेकिन वो गलती मैंने किसके लिए की थी और क्यों की थी इसके बारे में तुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक बात बता, आज ये गले मुर्दे खाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? जरूरत है शंकर, जरूरत है तुझे याद दिलाने की। 14 साल पहले जब तुझसे गलती हुई थी ना, मैं तेरे साथ खड़ी थी, मेरे साथ दिया था तेरा कंधे से कंधा मिलाकर, और आज भावनाओं में बहकर मुझसे एक गलती क्या हो गई, तू मेरा साथ देने की बजाय मेरे खिलाफ हो गया। तूने गलती नहीं की है मंजरी, गलती नहीं है ये एक गुनाह है। तुझे पता नहीं तूने मेरे बेटे के लिए क्या मुसीबत पैदा कर दी है। तेरा बेटा नहीं है वो, मैं भी माँ हूँ उसकी, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है जिसकी तू, मैं भी उसके भविष्य के बारे में चिंता करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन मुसीबतों से वो बाहर निकले। अच्छा तो बता मुझे कि मेरे बेटे को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकालेगी? विनायक तू चल मेरे साथ। कहाँ पे माँ? अपने पिंड गुरदासपुर चल। विनायक कहीं नहीं जाएगा। चौदह साल पहले शंकर तलवार इस शहर को छोड़ के भागा था चोरों की तरह, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, ना नाम ना पैसा ना शोहरत। लेकिन विन कुंद्रा यहां से भाग के अब नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। वो टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। पैसा, ये शोहरत, ये पोजीशन, ये पहुंच किस काम की? जब विनायक हमारा बेटा ही हमारे साथ नहीं रहेगा। वो बेल पे बाहर आया है शंकर, बाइज़त भरी नहीं हुआ। पुलिस आज भी कभी भी आकर उसे जेल में बंद कर सकती, तो समझता क्यों नहीं? विनायक ने कोई गुनाह नहीं किया है, ना 14 साल पहले किया था ना आज किया है। और तुझे क्या लगता है विनायक कहीं पे भी भाग जाएगा तो पुलिस अगर उसको पकड़ना चाहेगी तो पकड़ नहीं सकती है? ये दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए ना, कानून इस तक पहुंच ही जाएगा। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं इसे इस देश से इतनी दूर ले जाऊंगी कि हिंदुस्तान का कानून विनायक का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस तुझे जहां जाना है तू जा सकती है, इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। याद रख शंकर, मेरे बेटे की सलामती के लिए मुझे अगर ये देश भी छोड़ना पड़ा ना तो मैं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, तू कुछ भी कर ले। बस विन तू मुझे बता, क्या तू चोरों की तरह भागकर गुरदासपुर जाना चाहता है या फिर बहादुरों की तरह मेरे साथ रहेगा? हाँ विनायक, अब तू ही बता कि तुझे अपनी माँ की चिंता दूर करनी है या अपने पापा जी का स्वार्थ पूरा करना है। बोल। विनायक बस चलो, तू मेरे साथ ये शहर छोड़कर चल, क्योंकि ये शहर तुझे रास नहीं आ रहा है। बस कीजिए आप, पापा जी बस कीजिए, बहुत हो गया। माँ ये शहर नहीं, मैं ही आप दोनों को रास नहीं आ रहा हूँ। विनायक क्या बोल रहा बेटा? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ पापा जी। 14 साल पहले मेरी वजह से पूरे परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और आज एक बार फिर मेरी वजह से इस पूरे परिवार में संकट आया हुआ है। एक तरफ मेरे पापा जी जो मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरी माँ जिनको ये लगता है कि ये गुनाह मैंने किया है। कानून मुझे दोषी माने, उससे पहले मेरी माँ ने मुझे दोषी मान लिया है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माँ, मैं आपका बेटा हूँ,
क्या हुआ थोड़े दिन तक आपसे दूर रहा तो, लेकिन आपकी आंखें पढ़ सकता हूँ, आपके दिल में जो चल रहा है ना वो मैं समझ सकता हूँ। आपको ऐसा लगता है ना कि उस लड़की की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, उसको आत्महत्या करने के लिए मैंने मजबूर किया है, ऐसा लगता है ना आपको? हवन कुंड की अग्नि की कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया मां, मैं निर्दोष हूं। विनायक उठ जी, उठ। मैं मानता हूं मैं उस लड़की से एक दो बार मिला था, मैं मानता हूं उस लड़की से मैंने एक दो बार बात की थी, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो लड़की मेरे प्यार में पागल है। वो लड़की ने अपने आप को मुझ पे थोप रखा था, जोक की तरह चिपकी हुई थी वो मुझसे। उसने आत्महत्या क्यों की मैं नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानता कि उस लड़की ने अपने आप को आग क्यों लगाई। मैं बस इतना जानता हूं कि उस लड़की ने मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरे घर वालों का सुख चैन सब कुछ खत्म कर दिया। उस लड़की ने आत्महत्या क्यों की उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उस लड़की ने अपने आप को आग क्यों लगाई मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब तो मुझे इस चीज से है कि उस लड़की ने मेरी जिंदगी, मेरे सपनों को जला के रख कर दिया। वो जाई थी जिसके कारण पुलिस हमारे घर पे आई, मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे जलील किया गया, पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बनाया गया। मैं अभी बेल पे बाहर आया हूं ना मां, मुझे ऐसा लगता है कि तलवार अभी भी मेरे गर्दन पे है, मुझे कभी भी वापस जेल जाना पड़ सकता है। पापा जी, माँ, आप तब भी साथ थे जब मैं आप दोनों के साथ नहीं था, और जब मैं आज दोनों के साथ हूं तो आप ये बोल रहे हो कि दोनों में से मैं किसी एक को चुनूं? आप लोगों ने सोचा मेरे दिल पे क्या लगेगी जब मुझे आप दोनों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है और आप बोल रहे हैं कि दोनों में से मैं किसी एक को चुनूं, अलग हो जाऊं? उस दाई ने मेरी जिंदगी चीर के रख दी, लेकिन आज मुझे उस बात का दुख नहीं है क्योंकि वो लड़की है कौन, लगती कौन है मेरी। लेकिन आप दोनों मेरे माँ और पापा जी हो, मैं कैसे चुन सकता हूँ आप दोनों में से किसी एक को? आज आप दोनों ने मेरा दिल चीर के रख दिया, मेरे दो टुकड़े कर दिए। आपका ये सवाल था ना कि मैं दोनों में से किसको चुनूं, तो ठीक है, इसका जवाब मेरे पास ये है कि मैं अपने दो टुकड़े कर देता हूँ और आप ये डिसाइड कर लो कि दोनों में से कौन सा हिस्सा किसको रखना है। क्या बोल रहा बेटा? मैं इस पूजा में, इस हवन में मैं माँ और पापा जी आपके लिए बैठा था, बेगुनाह होने के बाद भी इस पूजा में मैं बैठा था अपने माँ और पापा जी के लिए, लेकिन जब वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। बहुत हो गया शंकी, तुम लोगों को जो कहना था कह चुके, अब उसे अकेला छोड़ दो, जाने दो उसे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। कि मेरी वजह से नहीं, ये तेरे स्वार्थ की वजह से हुआ है शंकर। तुझे विनायक की परवाह नहीं, तुझे बस अपना सपना पूरा करना है। लेकिन चिंता मत कर, बहुत जल्दी मैं अपने विनायक को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी देखता हूँ तू विन को यहाँ से कैसे लेकर जाती है। सिसक के हवाएं जग सुना लगे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे।
सुना सुना लागे रे। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे।